पिछले वीडियो तक हम थर्टीन क्वेश्चन कर चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्टीन पॉइंट वन फोर क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ वन मीटर पिस्टन मूव विद सिंपल एस हारमोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ टू हंड्रेड रेडियन पर मिनट वट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड मतलब कि एक सिलेंडर का पिस्टन है जो कि लोकोमोटिव मोशन कर रहा है उसका हर एक स्ट्रोक है वो एम्पलीट्यूड के डबल के बराबर है और हर एक स्ट्रोक कितना है वन मीटर अब हमें ये भी दिया गया है इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है टू हंड्रेड रेडियन पर मिनट और फाइंड करना है मैग्जिम स्पीड पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं कि एंगुलर जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है ए इंटू उमेगा तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू उमेगा अब ए क्या है एम्पलीट्यूड तो हमारे लिए दिया हुआ है कि जो स्ट्रोक है वो वन मीटर का है और जो स्ट्रोक है वो टू इंटू एम्पलीट्यूड है ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड है तो अगर टू ए इक्वल टू वन है तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई टू दैट मीनस जीरो पॉइंट फाइव मीटर सो so इनडायरेक्टली हमारे लिए एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव मीटर सो ए इज़ फिक्स नाउ उमेगा दिया हुआ है हमारे लिए टू हंड्रेड रेडियन पर मिनट तो इधर यू विल राइट इन आंसर मीटर पर मिनट सो यू पुट उमेगा इक्वल टू हंड्रेड और यू विल कन्वर्ट इट इन सेकेंड तो हम जानते हैं अगर पर मिनट टू हंड्रेड है और पर सेकेंड करना है तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा से सिक्सटी से ठीक है पास ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू हंड्रेड दंड्रेड मीटर पर मिनट और हंड्रेड मल्टीप्लाई सिक्स पर सेकेंड स्पीड विल बी दैट वन नाउ देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज वन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर वॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सर्फेस ऑफ मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड मतलब कि एक सिंपल पैंडुलम है जिसका टाइम पीरियड अर्थ पर जो है वो है थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड का तो उसी पैंडुलम का टाइम पीरियड मून पर कितना होगा ये हमें पता करना है जबकि हमें अर्थ की ग्रेविटी पता है कितनी होती है द ग्रेविटी ऑन अर्थ इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्र और

फोर पाई स्क्वायर एल बाई जी तो यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी यहां रखें टी तो यह बात करें मून पर टाइम पीरियड क्या है टी डैश टी की जगह टी डैश कॉन्स्टेंट जगह क्या आएगा एल वहां भी सेम था यहां भी सेम है और जी की जगह वहां क्या आ जाएगा जी डैश अब अगर हम इस एल को रिप्लेस कर दें इधर से क्योंकि एल तो कॉन्स्टेंट है तो एल की वैल्यू कितनी टी स्क् जी बाई फोर पाई स्क्त रिप्लेस कर दें तो हमने इस एल की जगह क्या रख दिया टी है अब अगर हम टी स्क् को रूट के बाहर निकालें तो टी स्क्वेयर का रूट बाहर जाएगा तो क्या आएगा टी आ गया फोर का रूट आएगा टू और पाई स्क्वायर का रूट आएगा पाई और बचेगा जी बाई जी डैश देट मीन टी डैश इक्वल टू टू पाई टी बाई टू पाई जी बाई जी डे टू बाई सी टू बाई कैंसिली डैश इज इक्वल टू टी इन जी अपॉन जी डेस टी जो वाली चीजें वो क्या बता रही हैं मून की और विदाउट डैस अर्थ पर नाउ अब हमारे लिए क्या टी जी और जी डेस की वैल्यू पता है बिल्कुल पता है सो नाउ वी विल पुट इट सो टी डैश विल बी थ्री पॉइंट फाइव इंटू अंडर रूट नाइन पॉइंट एट अपॉन वन पॉइंट सेवन हाउ वी सॉल्व दिस

इसका अंडर रूट तो हम जानते हैं 576 576 किसका होता होता है 576 होता है 24 का तो 5.76 किसका टू होगा 2.4 का ठीक है आई होप आपको इतने स्क्वायर रूट याद होंगे सो दैट हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी रफली टू पॉइंट फोर यहां थ्री पॉइंट फाइव है यहां टू पॉइंट फोर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटी एट पॉइंट फोर सेकेंड तो जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पर थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड था सेम पेंडुलम का टाइम पीरियड मून पर कितना हो जाएगा एट पॉइंट फोर सेकेंड हैं कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है पेंडुलम पर ही है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैल इज एस एच इन एस एच एम डिपेंड्स ऑन द फोर्स कॉन्सटेंट के एंड मास एम ऑफ द पार्टिकल हमें बताया गया है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मुला है पाई अंडर रूट टीवल इसमें जो टाइम पीरियड है वो मास पर और स्प्रिंग कॉन्सेंट पर डिपेंड कर रहा है अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट एस एच एम अप्रोक्सीमेटली वाई देन इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम मतलब कि जब ऐसे ही उसमें देखें जब ये मास पे डिपेंड कर रहा है तो जो सिंपल पेंडुलम है उसमें टाइम पीरियड मास पे डिपेंड क्यों नहीं करता तो उसका फॉर्मला होता इक्वल टू पाई अंडर रूट अपॉन जी तो इसका आंसर है ये भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है बट सर इस पर तो मास लिखा हुआ है फॉर्मुले में मास है आप कैसे कह सकते हैं मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि अगर हम यहां स्प्रिंग कॉन्सेंट की बात करें के, की, तो के क्या होता है के इक्वल टू एफ बाई एल और एफ इक्वल टू क्या होता है एम इन टू ए तो अगर हम इसको लिखें एम ए बाई एल तो एम से एम यहां भी क्या हो जाएगा कैंसल आउट दैट मीनस ना ही स्प्रिंग में ना ही पैंडलम में किसी में भी टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता ये फ्री होता है कैसे लिखेंगे इसको फॉर अ सिंपल पैंडलम फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर के इज प्रोपोर्शनल टू मास कैंसिल आउट इन द डिनोमिनेटर वही जो मैंने आपको बताया यहां से भी क्या हो जाएगा वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एज वेल एज इन द न्यूमिनेटर दैट्स बाई द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम सिंपल पेंडोलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडोलम इज अप्रोक्सिमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल्स ऑस्क्यूलेश बट फॉर लार्जर द एंगल्स ऑफ द मोर इन्वॉल्व एनालिसिस सोज दैट टाइम पीरियड इज ग्रेटर दैन टू पाई अंडर उपोन जी थिंक ऑफ क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट टू अप्रोप्रिसिएट दिस रिजल्ट तो ये तो हमें वैसे ही पता है अगर आपने इसका डेरिवेशन किया हुआ तो आपने देखा होगा एक जगह आपने साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा था अगर साइन थी थीटा छोटा होता है तो, तो हम जानते हैं इन दिस केस दिंपल पैंडलम द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ पैंडलम इज गिवन एज एफ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा अगर आपने इस बार डेरिवेशन किया एक बार डेरिवेशन देखिए उसमें एक जगह होता है एफ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा अब अगर हम यहां एंगल छोटा होता है केवल तभी साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं तो जो हमारा एस एच एम की कंडीशन कब फ्लो फॉलो होती है जब ये थीटा क्या होता है बहुत ही छोटा और अगर एंगल थीटा ज्यादा है तो साइन थीटा भी क्या होगा थीटा से बड़ा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या आएगा बड़ा आएगा दैट मीन्स दिस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जी की वैल्यू घटेगी की वैल्यू बढ़ेगी सिंपल सी बात है अ मैन विद फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर वॉच गिव करेक्ट टाइम ड्यूरिंग आदमी किसी टावर पर चढ़ जाता है और वहां से फ्री फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी ठीक है तो उसने रिस्ट वॉच पहनी है तो क्या फॉल करते समय फ्री फॉल करते समय एक्चुअली उसकी घड़ी सही समय बताएगी तो डेफिनेटली सही बताएगी क्योंकि उसने पेंडुलम वॉच नहीं पहनी है उसने कौन सी वॉच पहनी है रिस्ट वॉच तो ये तो एक पजल uh, क्वेश्चन हो गया आपको बस थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए कि भाई ये तो रिस्ट वॉच है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना ग्रेविटी का अगर पेंडुलम बॉब होती तो हम सोचते सो यस बिकॉज द वर्किंग ऑफ रिस्ट वॉच डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग एक्शन एंड इट इज हैज नथिंग टू डू विद ग्रेविटी इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ओके लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्कुलेशन ऑफ अ सिंपल पैंडलम माउंटेड इन अ कैबिन दैट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी अब अगर फ्री फॉल के केस की बात करें इसकी बात एस एच अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो जब फ्री फॉल करेंगे दैट मीन्स हमारे पास जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी लगभग डिसअपियर